राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में निकल रही हूँ। एकाएक प्लानिंग हुई हमारी कि हम जम्मू में हैं तभी माता रानी के दर्शन करने ना जाएं, और लोग तो इतने दूर दूर से आते हैं वैष्णो माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो हम तो यहीं चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। क्योंकि नवरात्र के समय में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन वहाँ पर होती है। तो हम यहाँ से निकल चुके घर से अपने, और घर से यहाँ वहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए थे हम लोगों को। और यहाँ पे ये देखिए, डिफेंस वालों के लिए अलग से कार्ड वगैरह जो बनते हैं वो यहाँ पे हमने लिया। ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग ही थे लाइन में, तो हमने यहाँ पे अपना कार्ड बनवाया। और सबसे मेन गेट जहाँ पे हमारा सामान वगैरह चेक होगा वो है ये यहाँ पे, वहाँ पे भी फूलों से डेकोरेशन कर रखा है। जेंट्स लोग को अलग से जाना है, लेडीज़ लोगों को अलग से जाना है। तो यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। मैं माता रानी का आशीर्वाद ले रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में थोड़ा सा पेन पहले से है और बहुत ज़्यादा पैदल चलना है, तो इसलिए मैं माता रानी से आशीर्वाद ले रही हूँ कि प्लीज़ माता रानी, यहाँ तक ले आए हो तो अपना दर्शन बहुत अच्छे से ज़रूर देना हमें। तो हमने अपनी यात्रा यहाँ पे स्टार्ट कर दी पैदल ही, और बेटी भी मेरी अभी पैदल ही चल रही है। देखते हैं कहाँ तक पैदल चल पाती है। और जगह जगह पे मंदिर इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं ना कि देख के मन खुश हो जाता है। और जगह जगह पे आपके मन के उत्साह को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, तो अच्छा लगता है और मतलब चलने में हिम्मत मिलती है। सर पे ही चला देगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलते चलते हम लोग अर्धकुमारी तक पहुंच गए, तो फिर वहां पे बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई और नीचे का व्यू कुछ इतना सुंदर लग रहा था। और हम लोग एक जगह बैठ गए कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, फिर उसके बाद माता रानी के भवन के नज़दीक आ गए, वहाँ से डेकोरेशन स्टार्ट हो गया। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर। और यहाँ पर जितने भी फ्लावर, जितनी भी चीज़ें लगी है सब असली है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी इन सारी चीज़ों में से खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बहुत सारे कलर के रोज़ेस लगे हुए थे, मैंने तो 1-2 निकाल के भी देखा, वो बिल्कुल फ्रेश थे। बहुत ही बहुत 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 ही सुंदर लग रहा। वीडियो में उतना मैं नहीं शेयर कर पाई हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता और वीडियो में उतना नहीं समझ में आता। ये जो जय माता दी लिखा हुआ पूरा रोजेस से लिखा हुआ है, जितने भी कलर के हैं ये सारे रोजेस हैं और रियल के हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखिए, आगे आने के बाद मतलब काफ़ी दूर तक डेकोरेशन हुई है, बहुत सुंदर सजाया गया है। तो मैंने पूरा तो नहीं वीडियो में शेयर किया, बट हाँ जितना हो पाया उतना मैंने किया है। रश भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, हम लोगों ने तो यहाँ पे खूब इंजॉय किया। जय माता दी बोलते बोलते माता रानी के भवन तक पहुँच गए हैं। उसके बाद हम फ़ोन वोन अपना जमा करवा देंगे क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं रहता है। और भवन तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 3 बज गए थे, रात के 3 बजे हमने माता रानी का दर्शन किया। और वहाँ पहुँचने के बाद भी सारी सुविधाएँ हो रखती हैं, आपको रेस्ट करने की जगह रहती है, बाकी सारी चीज़ों का रहता है। तो माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लाइन में लग गए रोपवे के लिए, जो कि 8 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, 8 बजे हम लोगों का यहाँ पे टिकट मिल गया। 100 रुपये में टिकट रहता है, 100 रुपये में आपका आना जाना दोनों रहता है, एक आदमी के लिए रहता है ये। और 5 मिनट के अंदर हम रोपवे से पहुँच जाते हैं भैरवनाथ दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ऊपर से कुछ व्यू ऐसा है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। नीचे आने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रश मंजन किया, फ्रेश वगैरह हुए, फिर हम चल पड़े नीचे की तरफ। बेटी मेरी बिल्कुल थक चुकी है क्योंकि ऊपर चढ़ के पैदल गई थी, तो अब इसको बहुत अच्छे से थकान हो गई। हमने यहाँ पे उसके लिए ले लिया प्रेम, ताकि वो सोते हुए नीचे उतर जाए और उसको भी थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। हम पहुँच चुके हैं नीचे और मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हमने यहाँ पे अपने पैरों का चेयर से ही थोड़ी मसाज ली और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मसाज लेने के बाद। तो आई होप आपको हमारा ये वैष्णो माता रानी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय माता।